ये संडे बाजार समझने आप, संडे बाजार कह सकते हैं इसको यहाँ का। हाँ, ये संडे बाजार, चेक करें जरा यहाँ का संडे, रिक्शे चेक करें, रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे भी भाई। ऊपर पहाड़ पे जाने मैंने बेगम को बोला जाके रिक्शे वाले से बात करो, वो अच्छी बार्गेनिंग हुई थी ना, मैं लेडीज हूँ मुझे नहीं पता, मुझे कम यूरो में लेके जाओ। अबे बुढ़िया रिक्शा चला रही है, दादी अम्मा रिक्शा चला रही है। अब वही आप कंपैरिजन मारते हो ना, तो फिर बोलते हो यार हमारे मुल्क में तो कोई है, वो तो बेचारा रिक्शे में ही फंसा रहा है पूरा दिन, वो घूमेगा कब। ईमान से बताएं आप, इंस्टाग्राम पे इसको देखेंगे या मुबीन भाई को देखेंगे, आप खुद बताएं। लैट है और ये है, लाइन लगा के खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा, मैं भी ले आया था, मेरे को बच्चा मेरा प्यासा रो प्यास से रो रहा है, लींबू पानी दे दो। ये देखे भाई लिस्बन की पतली पतली गलियां, पहाड़ों पे मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्राम के बाद ट्राम आ रही है, इतनी सड़क पे दो साइड की ट्राम भी जाती है, दो साइड का ट्रैफिक भी जाता है, पार्किंग भी है, कैफे भी है, बाहर बंदा भी बैठता है, पैदल भी लोग चलते हैं, स्ट्रोलर भी बच्चों का चलता है। अबे कहाँ आ रही है ये, हम महीना घुस जाए। चिंची इधर अच्छे लग रहे हैं, अपने मुल्क में जहर लगता है, यहाँ के एग्जॉटिक हो जाते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हम आ गए हैं, ये जगह कहलाती है लिस्बन फैक्ट्री। ये बेसिकली पुराने ज़माने में कोई फैक्ट्री हुआ करती थी, तो इसको अब इन्होंने क्रिएटिव स्पेस और एक शॉपिंग एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसे संडे को, ये संडे बाज़ार समझ लें आप, संडे बाज़ार कह सकते हैं इसको यहाँ का। हाँ, ये संडे बाज़ार है, चेक करें ज़रा यहाँ का संडे बाज़ार, माहौल चेक करें आप, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं और बार्स भी बने हुए हैं, फ्लावर शॉप हैं, लेट सीन्स हैं भाई, पोर्चुगीज बेकरी भी है इधर। अरे जानने वाला लग रहा था, मगर ये तो यहाँ का, वो ब्रिज की हाइट चेक करें यार, पैदल पे फोकस है, पैदल आओ भाई। जो नांडोज में हम खाते हैं पेरी पेरी चिकन और पेरी पेरी सॉस के साथ, तो वो एक्चुअली पोर्चुगीज सॉस होती है, ये लिखी हुई पेरी पेरी। और ये मज़े मज़े कितने, 3 यूरो? हाँ, 3.5 यूरो। मज़े मज़े की भाई, तो ये सब पोर्चुगीज थे। कैफ़े वगैरह भी हैं, ये कपड़े वाली साइड आ गई, बैठ के खाएं पिएं, गंदगी नहीं है यार। देखो ये भी संडे बाजार है ना, कोई आवाज़ ही नहीं लगा रहा, सब आराम से अपना स्टॉल लगा के, ज़्यादातर खवातीन हैं और काम कर रही हैं आराम से। क्या बेच रहे, अच्छा जी बीट्स वगैरह, ये फोटोग्राफ्स एंड पोस्टर्स हो गए भाई। बेगम अपनी शॉपिंग के चक्कर में फुल लेडीज़ वाले सेक्शन में ले आई हैं, मुझे शर्म आ रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मगर बच्चे का स्ट्रोलर साथ है तो वो फिर लोग बुरी नज़रों से नहीं देखते कि चलो ठीक है खड़ा बैठा यार, इतना मस्त लग रहा है, मैंने भी लेना है ये। भाई हमारी बेगम की एक सहेली है, उन्होंने पूछा कि क्या क्या लेके जा रही है, उन्होंने बताया कि मैंने इतने सन ड्रेस और फलाना मून ड्रेस लिए है फलाना, तो उनकी सहेली ने कहा ठीक है हाँ जो पहनना है पहनो, गुना तो तुम्हारे शोर को मिलेगा। तो मतलब औरतें ये स्कीमें भी चला रही हैं आजकल, मतलब हम फजूल में सड़ रहे होंगे, ये कुछ भी पहन लें हम सड़ रहे होंगे भाई, ये क्या पॉलिसी है भाई। म्यूजिक शुरू हो गया, अबे भाई वो कितने लंबे हैं दोनों, बल्ली बल्ली, लाइव म्यूजिक भी ऑन हो गया है, ये भी ऑन हो गए हैं, वाह जी वाह, संडे बाजार हो तो ऐसा हो। भाई आज नॉलेज में इजाफा हुआ कि प्लाजो आई हुई है, प्लाजो चल रही है आज, क्या चल रही है, प्लाजो, हाँ प्लाजो, मतलब कोई प्लाजा प्लाजा की बात हो रही है, प्लाजो चलवा रहे, वाह। हाँ जी, कैफे कल्चर तो आपको पता ही है, पीपल आर हैविंग अ ड्रिंक और टू, और हम ये वाले सेक्शन पे चलते हैं, चिलिंग्स चेक करें यार, हमारे संडे बाजार में हो सकती है चिलिंग्स, फैमिली बैठ के खा सकती है थोड़ा यार खाली हो। एनीवे बार बहुत है यहाँ, अपेरेंटली कहा जाता है जी यहाँ पे बियर बहुत सस्ती है, और जो मुझे यहाँ के लोकल दोस्त है मेरा, वो बता दें कि वो लोग यूरोप में ऐसे ही मेजर करते हैं कि कौन सा मुल्क सस्ता है महंगा है, कि वहाँ बियर कितने की है, दुकान पे कितने की और क्लब में कितने की मिलती है, तो उस हिसाब से पोर्चुगल में सबसे सस्ती है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, और जर्मनी में बहुत महंगी। तो इस तरह उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि सेव वाटर ड्रिंक बियर, ये भी कहा जाता है, तो ये सीन्स हैं। आई थिंक ये एंड तक जो है कैफेटेरियाज रेस्टोरेंट वगैरह ही हैं, दुनिया जहाँ की पब्लिक आई हुई, और ये सारे वो हैं टूरिस्ट हैं, ये टूरिस्ट, ये मतलब ये संडे बाज़ार इतना चल पड़ा है कि बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग शॉपिंग करने आएंगे, ये हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो थैले भर भर के जा रहे हैं यूरो खर्च कर करके। हमारी बेगम ने ले लिया अभी ड्रेस 20 यूरो का, पता नहीं क्या उसका गुना मुझे मिलेगा, वाह भाई वाह, मतलब इन्होंने अपना संडे बाजार इतना चढ़ा दिया कि लोग अब जैसे थाईलैंड में चटुचक मार्केट, वो भी संडे को लगती है और वो एशिया की सबसे बड़ी संडे मार्केट है, तो वहाँ भी लोग दूर दूर से आते हैं और प्लान करके आते हैं, इसी तरह यहाँ भी लोग प्लान करके आते हैं कि लिस्बन में हमारा संडे मिले, लिस्बन मार्केट में वाइब चेक करें।
आई थिंक ये दो गलियां हैं या शायद और भी हैं। माय होस्ट इज देयर, उनसे पूछ के बताता हूँ। टैटू बार भी है, विंटेज शॉप्स भी हैं यहाँ पे, पुराने कपड़े हैलोवीन वाले वगैरह फैंसी मिट्स सब मिल जाते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, और सनसेट होने वाला है, और सनसेट का बेहतरीन स्पॉट ये पहाड़ी के ऊपर है। आधा चढ़ गए हैं और लिल के साथ आए, तो लिल तो आराम से बैठा होता है भाई अपनी स्ट्रोलर में, लेकिन हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड है वो कह रहे हैं ये वाला पार्ट बहुत स्टीप है, आगे से घूम के जाना है। तो आगे से घूम के जाएंगे, पहाड़ियाँ भी बड़ी मस्त बनाई हुई हैं, सो आपको ऊपर से अपडेट देते हैं। हाँ जी, पहाड़ी का हम शॉर्टकट मार रहे हैं। बाय द वे जरा ये चेक करें, लिल की टांगे फुल सनबर्न, बहुत तेज सूरज है भाई इधर का, सो हम शॉर्टकट मार रहे हैं। अच्छा, नॉट ओनली स्टीप है बल्कि कॉबल स्टोन है, तो इसपे जो चलना और चढ़ना, चल तो बंदा लेता है, स्ट्रोलर के साथ जाना बहुत जो है ना डिमांडिंग हो जाता है फिजिकली। खैर, अच्छा है, वर्कआउट हो रहा है, इससे हमारा क्या काम एक्सरसाइज से। हो सी टेक, हमारे यहाँ सी पैक है, चल निकल। चलो भाई आगे चल के देखते हैं क्या सिचुएशन है। हाँ जी, लिल को चलाते चलाते सनसेट थोड़ा सा निकल गया, बट इट्स ओके, इट्स वर्थ द व्यू एनीवे। सो यार, लिस्बन जब भी आए इस पॉइंट पे आपने जरूर आके सनसेट देखा। वहाँ ऊपर थे हम, उधर सीढ़ियाँ नीचे तक जा रही है, और ये फुल मोनाल वाले सीन है सर, जो ऊपर तक ट्रामे आ रही है, शर्म करो। फुल इलेक्ट्रिक जूस बार भी मौजूद है, देखो लाइन लगा के खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा मैं पी ले आया था, मेरे को बच्चा मेरा प्यासा रो प्यास से रो रहा है, लींबू पानी दे दो, कोई नहीं कर रहा। और लाइव म्यूजिक, ये देखे भाई लिस्बन की पतली पतली गलियां, पहाड़ों पे मैं चढ़ा हुआ हूँ, ट्राम के बाद ट्राम आ रही है। इतनी सड़क पे दो साइड की ट्राम भी जाती है, दो साइड का ट्रैफिक भी जाता है, पार्किंग भी है, कैफे भी है, बाहर बंदा भी बैठ रहा है, पैदल भी लोग चलते हैं, स्ट्रोलर भी बच्चों का चलता है, कैसे चल रहा है पाकिस्तानियों सोचो, और हमारे यहाँ क्यों नहीं चल पा रहे बड़े बड़े रोड, क्वेश्चन करो ये। अच्छा भाई, वो वाली पहाड़ी पे ही है अभी भी हम, थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है। अब हम, वो एक चर्च है, तो हमारे फ्रेंड जो है वो बता रहे हैं कि वो देखने वाली जगह है, वो स्पॉट देखने वाला है, तो अब हम यहाँ आ गए। जी, बहुत से उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पहुंच गए, इट्स सो मैग्निफिसेंट। आगे भी गली है, वो एक आर्क दिख रहा है, लेट्स फाइंड आउट। मुझे यार ये एमलेस डिस्कवरीज बड़ी पसंद है, एम ही टुर दे रहो, मजा आता है। हाँ जी, चलते चलते हम ये दूसरे चर्च पे आ गए, इसका डोम आपने वो पीछे जब हम जहाँ से सनसेट देखते हैं वहाँ से देखा होगा। फाइनली वी मेड इट, अब ये बहुत स्टीप है, पर लिल को जगाने से बचना है। हाँ जी, लिस्बन की थोड़ी नाइट लाइफ दिखाते हैं, संडे है और आई जस्ट टर्न 39, बहुत से लोग नहीं मानते, पता नहीं उम्र छुपा के मैंने उनकी पैण का रिश्ता लेना है, अल्ली वल्ली यार जो है वो है फैक्ट। फिर जरा नाइट लाइफ चेक करते हैं, ये स्ट्रीट है इसके दिन की आप देख चुके होंगे, और रात की वाइब अलग है, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो रहे हैं। ओवरऑल वो ऊपर जो है ना, वहाँ से सनसेट का मजा ही अलग है, वो हमने किया था, करने की कोशिश की थी जैसा कि आपने देखा। और ये मेन सेंटर है, अगेन आई एम स्टेइंग क्लोज टू द सेंटर, वो रॉसियो स्टेशन है, हर इम्पोर्टेंट जगह के लिए ट्रेन वहाँ से मिल जाती है, एंड आई एम लिटरली स्टेइंग रोड पार। मौसम अच्छा हो गया, दिन भर बहुत गर्मी थी भाई, और टेंट वेंट सब लाल लाल क्या काली हो जाती है, लेकिन अभी ये के अच्छी मजे की हवा चल रही है। ये देखें यार, ये क्या जबरदस्त फोटो आएगी यहाँ से, तो ये चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी सारी शॉपिंग वॉपिंग भी है। ओ पीछे जो है लिटरली ये रोसियो स्टेशन के पीछे देयर इज अ स्ट्रीट, उसको लोग बंगाली स्ट्रीट कहते हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी काफ़ी हैं। अभी वहाँ पे खाया पाकिस्तानी खाना यार, कुछ 16 दिन बाद मैंने कढ़ाई खाई, मुझे सुकून मिला, मेरी रूह को सुकून मिला। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था टेस्टी हट के नाम से, वो खाया हमने, मटन कढ़ाई बिरयानी, तो ज़रा टेस्ट बर्ड्स को सुकून मिला। अरे फूजी फिल्म से कितनी यादें हैं, सारे स्कूल की रिपोर्ट कार्ड की तस्वीरें फूजी वालों से ही बनवाते थे हम। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, या पढ़ी लिखी कौम है, वहाँ शोर नहीं होता, वो धीमा बोलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं, और जितना जाहिल नेशन है ना, वो लाउड बोलते हैं। और ये आम जिंदगी में भी आप देख लें, जो शहर खामोश है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के शहर खामोश होते हैं, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा लेवल नीचे होता रहता है वहाँ पे शोर बढ़ता रहता है, चाहे वो ट्रैफिक का हो लोगों का हो। अच्छा जी, ये मशहूर ज़माना लिफ्ट है, यहाँ ऊपर से बड़े जबरदस्त नज़ारे होते हैं। हाँ, बंद है ना, दिन में करने वाली चीज़ है ये, मगर है बड़ी खूबसूरत। ये वही स्ट्रीट जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, आके इसकी मैं तस्वीर भी लूँगा, ज़रा सिग्नल खुल जाए तो फिर हम जाते हैं। वाइब मज़े की है भाई इधर, मुझे तो बड़ा मज़ा आया और आ रहा है, आपको देख के आ रहा होगा यार, सोचे मुझे होके कितना आ रहा होगा। पाकिस्तानी काफ़ी हैं, अच्छी स्टोरी सुनने को मिली सो फार, अच्छी बात है। चलो जी, खुल गया,
बंद ट्रैफिक चल रहे है, गली वली अब उनका दौर है। अच्छा बड़ी हवा में ऊपर भी चलते हैं। सीढ़ियां बड़ी हैं यहाँ पे यार, सीढ़ियां बहुत हैं। वही टर्की वाला हिसाब, इस्तांबुल वाला हिसाब, या फिर बार्सिलोना वाला हिसाब। क्या हो रहा है भाई, कोई करतब शर्तब चल रहा है क्या? ओ अच्छा ओके, अरे हाँ वो तो लिल की तो वो है ना स्ट्रॉलर। सबको अपना मंजन लगा के रखते हैं। अच्छा है, कोई एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं, चिल कर रही है यार यंगस्टर। ये होता है भाई, छुट्टे उट्टे मार रहे हैं। पॉइंट बीइंग के भाई अच्छी एक्टिविटी रहती है, यूथ वूथ चिल कर रही है, हमारी यूथ नहीं कर पा रही यार, मौके नहीं मिल रहे। सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है। अबे कहाँ आ रही है ये, हम में ही ना घुस जाए, ठीक है ना, वो सीन चल रहा है। देखो फिर चढ़ाई, बहुत चढ़ाई है भाई इधर। तो अभी सिलसिले को यहाँ पॉसिबल के चलो गली के कोने तक चलते हैं, बातचीत ही हो जाएगी थोड़ी। ये क्या बेच रहा, आइसक्रीम की दुकान है यार, बड़ी होलसम लगती है ऐसी दुकानें। कार है अंदर, मजे से टेस्टी होगी। बर्जर गिंज भी आ गया, बर्जर गिंज। अच्छा जब तक आप डाउन हिल चलो ना, बड़ा मजा आता है ना, फुल विल स्मिथ वाली वॉक करके जा रहे होते हो। ये जब ऊपर आना होता है लग पता जाता है मियाँ। खैर चलो यही पॉज करते हैं, लिल पे चेकअप करते हैं कहाँ पहुंचा, और फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ काफी कराची वाला कल्चर है, दुकानें देर तक खुली रहती हैं। इनफैक्ट लाइक ज़ारा तक मुझे जो है ना 12 बजे तक खुला हुआ मिला है, विच इज अनहर्ड ऑफ इन यूरोप एटलीस्ट, क्योंकि कुछ शहरों में यूरोप में 8-8 बजे सब बंद रहता है। खैर इधर ही आंटी मिली है, ये जो है बैंड पे नाम लिख के देती है 5 मिनट में, इस तरह का बड़ी टैलेंटेड है, तो हमने भी लिखवाया नाम। वर्कआउट के लिए बेहतरीन शहर है क्योंकि बहुत अप हिल डाउन हिल, मतलब मजा आ रहा है भाई। सारे गार्लिक नान बर्न हो रहे हैं, गुड सीन है। अच्छा जी, हमारे लोकल फ्रेंड का बताना है कि ये जो गली है यहाँ से ऑल द वे वो आगे तक और कोनों तक पार्टी डिस्ट्रिक्ट है। देखो सब जा रहे हैं पार्टी करने, क्योंकि आज जो है बाय इलेक्शन जीती है पीटीआई, पार्टी होगी आज। और जी दुनिया भर के जितने भी एक्सचेंज स्टूडेंट्स होते हैं ये उनका स्पॉट है, यहाँ चिलिंग्स करने आते हैं। अच्छा जी, इसको कहते हैं लिस्बन का सबसे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट, क्योंकि ये जो दोनों ट्राम देख रहे हैं ना ये उनका आखिरी स्टॉप है, तो फिर ये यहाँ के जब रुक जाती हैं तो लोग स्पाइडरमैन की तरह टेक लगा के तस्वीरें खिंचवाते हैं। हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं सिंत्रा और आधे घंटे की ट्रेन है, तो ये ट्रेन लेंगे और वहाँ पर जाके अपडेट देते हैं। हाँ जी, 5 यूरो का टिकट और आधे घंटे की नैप। अबे मैं नज़ारे दिखाता आपको, मैं तो सोता हुआ ही आया भाई। तो ट्रेन स्टेशन आ गए, ये यहाँ का कैंट स्टेशन है, और बस अभी यहाँ से हम निकलेंगे और आपको दिखाते हैं। ओके, स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं और ये बड़ा मज़े का स्मॉल टाउन लग रहा है, ये साथ में प्लेटफॉर्म जिससे हम आए हैं, और ये छोटी छोटी गोल्फ कार्ट्स और ये रिक्शे। जी यस, जी हाँ, वेस्पा इन्हीं मुल्कों की है, इनफैक्ट इटली की है। खैर ये वेस्पा तो नहीं, हाँ वेस्पा ही है, ट्रेडिशन है इस मुल्क का। ओह देखो चिंची इधर अच्छे लग रहे हैं, अपने मुल्क में जहर लगता है, यहाँ के एग्जॉटिक हो जाते हैं। ये जो आप चर्च देख रहे हैं ये हमारे फ्रेंड बता रहे कि नाइट्स टेम्पलर जो फ्री मेसन्स के लिए काम करती है उनका चर्च, और यहाँ फ्री मेसन्स का भी लॉजेस भी हैं बाय द वे, जाके चेक करते हैं क्या सीन है। फिलहाल अभी हमें वो ऊपर पहाड़ी पे जा रहे हैं इन रिक्शों में बैठ के। ओके हाँ जी, आज मैं आया हूँ सिंत्रा पोर्चुगल में, लिस्बन शहर से आधे घंटे की मुसाफत पे। 5 यूरो की आप ट्रेन लें और आप इस खूबसूरत जगह पे आ जाते हैं, और आने का मकसद यहाँ पहाड़ी सिलसिले पे मौजूद ये खूबसूरत कासल्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बड़ी ज़बरदस्त फोटोज़ आती हैं इंस्टाग्राम की। लेकिन चूंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स लग रही हैं, और आज भी वार्निंग है गवर्नमेंट की तरफ से, तो तमाम रिक्शे वाले, जी हाँ यहाँ बाकायदा रिक्शे चलते हैं जैसे कि आप वो देख रहे हैं वो खड़े हुए, वो लेके जाते हैं तो वो कह रहे हैं ऊपर सब बंद है, तो फिर रिस्क नहीं लेने का, बस हम वापस जाते हैं। लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है। आज ही शाम का वक्त है, पहले में एक इलाका है वहाँ जा रहे हैं, मगर उससे पहले ये भाई एंजल कोई खड़ी है बीच में, ये भाई यो सही है भाई, ये क्या अच्छा है, इसको तीर कमान से मारो, ये कह रहा है गलत जगह ना मार दे कोई, मतलब दिल विल बे प्यार हो जाएगा। मस्त कैरेक्टर है, कितनी टॉल आंटी है, बहुत टॉल लोग हैं यार, मतलब यहाँ के नहीं है ऑब्वियसली, देयर क्लियरली जर्मन्स और नॉर्दर्न यूरोपियंस। आज लिस्बन से आप ट्राम या बस लेके बेलम के इलाके में आ सकते हैं, जिस बेलम मोनेस्ट्री है बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ से सनसेट बड़ा मशहूर है, उस जगह से सनसेट बड़ा मशहूर है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मोनेस्ट्री यार इस पे डिटेलिंग चेक करें, आप काम चेक करें कौन से ठेकेदार थे यार, बहुत खूबसूरत काम हुआ। बेलम मोनेस्ट्री के सामने फिर आप यहाँ आके बड़ा खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं। ये जो मोन्यूमेंट है,
a testament of their king going to the seas or unki awam follow kar rahi hai unko khair sahi hai scene mein aapka आज ही पोर्चुगल वालों का भी माइंड ना रियल स्टेट पे गया क्या डब्बे बनाए यार देखो खिड़की नहीं थी सामने इतना अच्छा व्यू एनीवे खैर भाई वो मॉनेस्ट्री से 1.5 किलोमीटर पैदल आए बेलम टावर पे के सामने सनसेट देखने के लिए ओनली टू फाइंड आउट कि भाई ये ब्रिज है और इसमें जो है लिफ्ट नहीं है अब ये प्रैम लेके हम कहाँ जाएंगे ठीक है तो इतनी दूर चलने के बाद मैं मिस कर रहा हूँ सनसेट मैंने बेगम को भेज दिया भाई ये मोमेंट ख्वातीन को ज़्यादा पसंद है मतलब आप जाके कर लें हम कुर्बानी दे देते हैं बड़ा होके बोलेगा मेरे लिए किया क्या है इतनी दूर आया हूँ इतना वो वहाँ से 1.5 किलोमीटर इसको जो है ना स्ट्रोलर चला के और ये बड़ा होके बोलेगा मेरे लिए किया क्या अरे भाई ये सनसेट मिस किया बल्ली बल्ली उसको पता ही नहीं है चप्पल से खेल रहा है अपनी देखो बच्चे दौड़ दौड़ जा रहे हैं खैर भाई बेगम ने और मैंने बारियाँ लगा ली बेगम ने पहले आके व्यूइंग कर ली अरे बड़ा मजे का ब्रिज है आगे हम नहीं जा रहे भाई पहले इतना चला के आए तो हमसे नहीं हो पा रहा यहीं से व्यू कर लेते हैं वो रहा सामने बेलम टावर वहाँ जाके जो है ना उधर का सनसेट देखना था खैर और यहाँ से आपको सस्पेंशन ब्रिज का व्यू है और वो मॉन्यूमेंट का सो ये था भाई बेलम टावर का हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू वॉकिंग टेल्स फ्रॉम लिस्बन आज यहाँ मेरा 5वां दिन है बड़ा आराम से यहाँ पे टाइम गुजारा और मज़े का शहर अच्छी वाइब है रिक्शे चेक करें रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे भी अब इलेक्ट्रिक चल रहे हैं जो कुछ सीखा वो ज़रा आपको समझाऊंगा मैं थोड़ी बहुत वॉकिंग टेल्स मैं पहले दिन से ही बना रहा हूँ वो जुड़ जाएंगी इसमें डिटेल अभी यहाँ से जब कुछ सीख लिया है तो ये पहले तो आप ये पहाड़ी चेक करें ऊपर यहाँ जाना एक बहुत बड़ा मार्ग है हमने कोशिश की थी सनसेट देखने की सनसेट निकल आगे आप देखेंगे वो रहा मेरा होटल ठीक है सेंटर में है रोसियो स्टेशन कहलाता है या रोसियो का इलाका और ये इसकी वाइब है ये रक्षे बक्शे खड़े रात में यहाँ थोड़ा सन्नाटा हो जाता है खैर मज़े की जगह है भाई और सदर्न यूरोप कह सकते हैं आप और गर्मी शदीद किस्म की और इतनी के फॉरेस्ट फायर्स चल रही है एक जगह है सिंतरा आगे आप क्लिप देखेंगे वहाँ हम गए थे क्या हुआ वो आपको आगे ही पता चल जाएगा लेकिन खैर तो ये इनका एक स्क्वायर है यहाँ पे मैं ज़रा आपको वाइब चेक कराता हूँ गर्मी बहुत शदीद है भाई चड्डियों में घूम रहा हूँ और टैन हो गया हूँ लिल के जो है ना टांगे दो कलर की हो गई है चौक बार नहीं होती चौक बार हो गई है शॉर्ट्स के अंदर वाला सफ़ेद बाकी काला चौक बार चल रहे हैं सब यहाँ खैर तो ये मेन रोसियो स्क्वायर कहलाता है शुरू के 3 दिन उधर होटल में रहा फिर बाकी 3 दिन हमने इधर कर लिए वो छोटा होटल था यार तस्वीरें कुछ और दिखाई और वो खैर ये भी बड़े चक्कर होते हैं भाई तस्वीरें कुछ और हैं यहाँ पे ये जरा धोखा हुआ एनीवे बहुत सारा अप एंड डाउन है जैसे इस्तांबुल में है सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और स्टीप बहुत है तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट हुआ है तो अगर वर्कआउट करना है तो यहाँ आएँ और अगर करते हैं तो आएँ वरना यहाँ चलना बड़ा अजाब है मेरे भाई ठीक है खैर ये इनका मेन एरिया है यहाँ पे दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और ये पूरा दिन चलते रहते हैं अभी तो धूप बढ़ गई है तो लोग उठ गए हैं वरना यहाँ नाश्ते से लेके रात तक यही सिलसिला रहता है और ऐसी ये 3 गलियाँ हैं पैरेलल इधर उधर उल्टे हाथ पे भी सीधे हाथ पे भी ये वाली मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि वो सामने एंड में आप देख रहे हैं वो ज़रा मज़े की जगह है तो खैर बाकी यार मज़े की जगह है ओह शिट ये बड़े स्लिपरी टायर्स होते हैं भाई और इसमें ज़रा बच के चलना होता है अच्छा खाने पीने का ओके सीन है काफ़ी सारे हलाल ऑप्शन है बाकी भाई एक ट्रैवल टिप दुनिया में कहीं भी जाएं अगर आपको किचन में बांग्लादेशी भाई नज़र आ रहा है फ़ौरन बैठ जाएं वहाँ अबे क्या टेस्ट है उनके हाथों में यार मज़े का तो खैर यहाँ पे टर्किश भी खाया और इंडियन भी खाया और लोकल भी खाया लोकल ज़रा फिश विश मशहूर है बाकी तो ज़ाहिर है आपको पता है हलाल का इशू होता है ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको जो है ना लिफ्ट कह दें इट्स अ लिफ्ट इसमें बहुत रश होता है वो देख रहे हैं आप क्यूज लगी हुई है लंबी लंबी ठीक है इस लिफ्ट में लोग ऊपर जाते हैं और चारों तरफ लिस्बन का नज़ारा करते हैं मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कल हालांकि बेगम बोलती रही रात के टाइम भी ये खुली होती है अबे फिर स्लिप होता अबे भाई क्या नीचे से ऊपर जाओ लाइनों में लगा लग के और पैसे लेके ऊपर जाके दूरबीन में 1 यूरो डाल के पूरा देखो अबे तो मैं नीचे से ना देख लूं हल्ली वल्ली मुझे ये समझ नहीं आते चोंचले ये जी ऊपर जाके कुछ देखना है वाइब आप चेक कर रहे हैं भाई मुझे तो लगता है ये इन्फ्लुएंसर सिटी है खैर वो दूसरे भी जगह है मुझे वो मेरी दोस्त है यहाँ पे जिसने हमें बड़ा घुमाया फिर आया इधर उसने बताया कि वहाँ पे सारे एलिट्स आपको दिखेंगे खैर यहाँ पे भी जो मुझे जो ना इंस्टाग्रामर वाइब बहुत दिखी कि ये इंस्टाग्रामर जो यूरोपियन इन्फ्लुएंसर है वो यहाँ समर में आती है क्योंकि यहाँ जरा यॉर्ट शॉर्ट का बड़ा सीन है पार्टी वार्टी और टैन होने आती हैं क्योंकि यहाँ धूप
आप देख रहे हैं बड़ी सख्त है। बताओ हम तो फेयर एंड लवली मलमल के और 22-29-90 मलमल के हम गोरे हो रहे हैं, ये गोरे यहाँ काले हो रहे हैं। अजीब निजाम है दुनिया, कोई इंसान खुश नहीं है, जो उसके पास है उससे खुश नहीं है, उसको दूसरा चाहिए। तो रात में यहाँ अलग वाइब होती है, दिन में भी अच्छी होती है। यार ये हैरी स्टाइल्स का गाना मुझे बहुत पसंद है यार, आई लव दिस सॉन्ग, सच अ हैप्पी सॉन्ग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप ओनर्स बांग्लादेशी हैं, आई थिंक उनकी बड़ी कम्युनिटी है यहाँ। ये जी कस्टमाइज बच्चों की बिब, या फिर ये कि जो है ना आप सिलवा सकते हैं नाम देके, एप्रन वगैरह जो भी चाहिए। अबे ऐसे पोस्ट कार्ड नहीं चाहिए भाई, किसको भेजेंगे हम, क्या हो गया, क्या भेज रहे हैं ये, पता चले जी घर में भेज दिया आपने, डाकिए ने पकड़ा दिया, अब्बू ने ले लिया। चलो जी, शॉपिंग बड़ी मज़े की है भैया, और शॉपिंग बड़ी सस्ती है बाकी यूरोप से, ज़ारा वारा और इधर उधर मैं गया तो रेट्स में खातिर खा कमी मैंने महसूस की, एज अपोज टू स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब में मैं ज़ाहिर है जाता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आगे भी बताया है स्टोरी में, जो मेरी दोस्त है यहाँ वो कह रही है कि उनके दोस्त यूरोप के कंट्रीज को बियर की प्राइस से कंपेयर करते हैं कि कहाँ बियर कितनी, अबे फिर फिसलता, कहाँ बियर कितने की मिलती है, वो डिटरमिन करता है कि जी कॉस्ट ऑफ लिविंग उस मुल्क का या उस शहर का क्या है। तो उस लिहाज से शराब भी बड़ी सस्ती है यहाँ। खैर मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। इसी तरह बाकी चीज़ें भी सस्ती, शॉपिंग खाना पीना काफ़ी सस्ता है, होटल्स वगैरह महंगे, बट दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज एक तो पीक सीजन में मैं आया हूँ, दूसरा मेन स्क्वायर मैंने लिया तो ज़ाहिर है महंगा तो पड़ेगा, बट इट्स ओके। से होता ही है कि आप टाइम बचाते हो, नीचे उतरे ये स्क्वायर आपके सामने, अभी जरा मैं थकूंगा ऊपर चला जाऊंगा, समझ रहे हैं, एज अपोज टू के जी फिर ट्रेन पकड़ो 40 मिनट दूर जाओ, वो भी तो एक कॉस्ट है, लोग वो वाली कॉस्ट नहीं लगाते। खैर वाइब आप चेक कर ले, ये ऐसी ही रहेगी पूरा दिन, जैसा कि मैंने कहा दो गलियां हैं, उधर भी है पूरा सदर है भाई। अबे यार ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बोर हो गया हूँ मैं एक ही बात कर करके। तो खैर शॉपिंग भी बता दी मैंने, घूमना फिरना भी अच्छा है, जगहें बड़ी अच्छी हैं। सिंतरा यार बड़ी अच्छी जगह है, आज भी जाना था लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट फायर का खदशा था। एनीवे अच्छा ये रोड साइड पे जो है ना इस तरह आपको टोपियाँ तो चले सही है, अभी शाम में आ जाएंगे यहाँ और बॉयज वो लुई विटॉन और गुची ऐसे बेच रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली फेक होता है, तो उससे आपने बचना है, नहीं लेना। और एक और चीज़, क्राइम यहाँ बिल्कुल नहीं है, बहुत पीसफुल जगह है। और हाँ ये है कि इधर सड़कों पर लोग आवाज़ लगाते हैं रात में, हशीश चाहिए, कोकेन चाहिए वगैरह वगैरह, बट डायरेक्ट आवाज़ ही लगा रहे हैं, कल हमें भी लगा दी गई थी आवाज़, ना नहीं भाई शुक्रिया, हम रूअफ़ा वाले लोग हैं, हमें रूअफ़ा पे लाते। बाकी ट्राम राम का सीन ऑन है, ट्राम्स हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, सबवेज हैं, बहुत चिल है, घूमना फिरना बड़ा आसान है यार। वो तो खैर पूरे यूरोप का स्टेपल स्टाइल यही है, मूविंग अराउंड जो है ना वो बड़ी आसान होती है, विच इज़ रियली रियली कन्वीनियंट। अब वही आप कंपेरिजन मारते हो ना तो फिर बोलते हो यार हमारे मुल्क में तो कोई है, वो तो बेचारा रक्षे में ही फंसा रहे पूरा दिन, वो घूमेगा कब, सारा टाइम उसका ट्रैफिक में निकल जाएगा। देखो तमीज से कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बोरी, कोई बजरी, कोई ट्रक खड़े हैं, कोई रोड घेर लिया जी, आगे तरक्याती काम जा रही है, हल्ली वल्ली कवर करके दिया है भाई, कोई कचरा नहीं आएगा। इसी तरह वहाँ देख लो, अबे भाई इनसे सीखो। कल को कोई बिल्डिंग बनाए ना मोहल्ले में, बोलो भाई तू बना रहे ना तो हमें क्यों तकलीफ दे रहा है, अपनी बनाते रहे उधर, इस तरह के पर्दे लगा के। बल्कि एक काम करो, एक और, अबे हाँ भाई ये मोटा स्पाइडर मैन है, इससे दूर रहना, इसको अगर वो तस्वीर ले लो ना, अभी तो खैर ये पलट के थैली वैली दे रहा था, उसने मैं इसकी स्टोरी बनाने लगा फौरन भाग के आया कि तस्वीर ले रहे हो तो पैसे दो, विच इज राइट, मतलब क्यों हम फ्री में ले, सही कह रहा है वो। ये रिक्शे चेक करें भाई, फुल इलेक्ट्रिक रिक्शा, आप रेंट भी कर सकते हैं, रिक्शे वाले थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हैं क्योंकि सारे टूरिस्ट की चीज़ है। अबे देखो ये बेच रहे हैं अपने रिक्शे, हम अपने रिक्शों में बैठने को तैयार नहीं है, यहाँ गोरा आके बैठ रहा है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं हम उसको बड़ा कैश कर सकते हैं, अगर हमें कैश करना आना चाहिए। देखो वही रिक्शा है यार, वही पीछे यहाँ एक अंकल बैठते हैं अकॉर्डियन में, बेला चाओ बजाते हैं, बेला चाओ, और वो अबे एक दो यार डिस्पासीटो एक इन्होंने सीख लिया, यही जहाँ जाओ यही बज रहा होता है, चिड़ हो जाती है मुझे। खैर यहाँ पे बीच आ गया, खैर टेक्निकली इट्स नॉट अ बीच, बट यहाँ से आप यॉट वगैरह ले सकते हैं, बोट्स ले सकते हैं। अभी देखो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस चल रही है, इतना बड़ा एरिया इन्होंने खुला छोड़ दिया कि लोग आराम से घूमे फिरे, स्केटिंग करें, साइकिलिंग करें। ओ हाँ इससे मुझे याद आया, वो बोल्ट वाली बाइक्स जो होती है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स यार, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब देर एवरीवेयर नॉट जस्ट लिस्बन, मतलब मैंने यहाँ बहुत चलाई, वो बड़ा आसान होता है, ऐप डाउनलोड करें और उसमें अपना कार्ड डिटेल्स डाल दें, खड़क अनलॉक हो जाती है, उसको ले लेके घूमते रहें, बहुत चलाई यार मज़ा आया। चलो ये रोड क्रॉस करते हैं, ये दो ट्राम के ट्रैक हैं, एक आने वाला एक जाने वाला। इधर एक जगह है बेलम टावर, वो
भी आप आगे देखेंगे। तो ये छोटा सा मिनी टूर था, बल्कि नहीं, आपको पानी तक लेके जाता हूँ ताकि आप पानी पानी हो जाएं देख के कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है। ये वाली मैं वो कह रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटी, मजे की है यार। ये जरा व्यू चेक कर लें यहाँ से, ये इसके पार में आया हूँ, सीधा आपकी सीट में आया हूँ। ये इनके मॉन्यूमेंट्स हैं यार, इतनी खुली ओपन स्पेस देख के ना फट जाती है कि यार मतलब क्या है, क्योंकि हमें अपने अर्बन टाउन्स में जो है ना ये चीजें देखने को ही नहीं मिलती। हमारी अर्बन प्लानिंग क्या है जी, काट काट के बेचो प्लॉट, क्योंकि जो बेचने वाला है ना मेरे भाई, उसका घर इधर ही है, वो तो अपनी अच्छी जिंदगी यहाँ गुजार रहा है, आपको जंगल में फंसा के चला गया कॉन्क्रीट वाले डब्बे डब्बे, चार चार मंजिल के डब्बे खड़े कर दिए। ना कोई एस्थेटिक सेंस है, ना वो देखने में अच्छे लगते हैं, ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना उसमें कोई पार्किंग है, ना कोई सेवरेज का निजाम है। बड़े से बड़े इलाके आप उठा लें, करोड़ों रुपए आप देते हैं गटर में रहने के लिए। खैर अपनी अपनी चॉइस है भाई, व्हेन यू डोंट क्वेश्चन तो फिर यही होता लाइफ में। खैर यहाँ पे वही रिक्शे वगैरह खड़े हैं, आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं, आगे जाके वो फिर बार्स भी आए थे, वो जैसे साओ पालो में है या रियो डी जनेरो में, वो जो एक जीसस का स्टैचू है उसी तरह इन्होंने यहाँ एक बनाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली नॉट एज बिग, मनी बड़ा तो खैर बहुत है, यहीं से दिख रहा है। और ये सस्पेंशन ब्रिज, ये अगेन देखने में बहुत करीब लग रहा है, उस दिन मैं पैदल अटेम्प्ट किया यहाँ से, अरे हालत ख़राब हो गई थी, ठीक ठाक दूर है वो, 3-3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप आ जाएँ, इट्स लाइक आई सेड इट्स नॉट अ प्रॉपर बीच बीच, बट आई मीन को तो भाई टैन होने के बहाने चाहिए। सो ये सी व्यू स्टाइल का एक बना हुआ है, यहाँ पे आप चलते जाएं, आगे जाके बहुत सारे बार्स हैं, फिर एक पूरी पट्टी आती है क्लब्स की, क्लब्स ही क्लब्स हैं, पार्टी बहुत है यहाँ पे, मैंने नहीं की, आपको पता है यार आपका भाई 8:30 बजे सो जाता, नहीं मजाक कर, पार्टी के साथ जो लवाजमात है ना यार हमें वो समझ नहीं आते, तो क्या फायदा। खैर तो भाई ये था पहला पार्ट, आगे भी आप इन्जॉय करते रहेंगे डिफरेंट जगह, और डुबकियां मार रहे हैं, दिल कर रहा है, सख्त गर्मी है और खूबसूरत बीच है। हाँ जी, लिस्बन से थोड़ा बाहर कशकेश नाम का बीच है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल और अच्छे सीन्स हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, होटल्स हैं, ब्यूटीफुल। और £5 का टिकट है ट्रेन का, 2-way, तो अभी वापसी में भी चलेगा, तो ये भी ऑप्शन आप कर सकते हैं अगर यहाँ आए तो। यार कशकेश बीच के सामने आपका बंगलाओ समर हाउस, जहाँ पे आप महीना गुजारने आए अपनी टेस्ला में, और फिर महीना ख़त्म होते ही टेस्ला चला के आप वापस अपने मुल्क। गोल्स मैन, आज ही वो कशकेश बीच हो रही, वहाँ से अगर आप 2 किलोमीटर पैदल चल के आएंगे तो आप इस लोकेशन पे आएंगे, इट्स कॉल्ड बोकार्डो इन्फर्नो। और यहाँ जो है ना बड़ा स्पेशल स्पॉट है यार, यहाँ की भी किताब पढ़ी है, देखो सीखो सीखो, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये छोटी सी खाई, जब पानी बिल्कुल चढ़ा होता है, एक सेकंड आपको दिख रहा है, हाँ ये सुराख जो है ये बिल्कुल पैराडाइज पॉइंट वाला माहौल बना होता है यहाँ का, ये है एंड इफ यू कम ऑन दिस साइड ये सीन्स चेक करें आप, दिस इज ऑल नेचुरल बाय द वे। और ये पूरा इन्होंने वॉकवे बनाया हुआ है, यहाँ से फुल इन्फ्लुएंसर फील्स आ रही है ना, यहाँ से गाने लगा के आहिस्ता आहिस्ता अगर मटक मटक के उतरे फुल इन्फ्लुएंसर फील्स है। सो या मैन, दिस इज द व्यू, मजे की जगह है, वर्थ द वॉक। यहाँ पे आप अच्छे इंस्टाग्राम मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है ब्रो, ये व्यूज़ हैं। अब मगर मसला ये, अब धूप वहाँ आ रही है तो इस दीवार के अगेंस्ट अच्छी नहीं आएगी, बट वी कैन मनूवर। अच्छा भी यहाँ जगह जगह लिखा है गवर्नमेंट ने कि भाई डेंजरफुल है, पानी आ सकता है, अपनी रिक्स पे जाइए। तो नीचे और मज़े के स्टेप्स हैं, लोग पहुँचे हुए यहाँ पे, यहाँ से मज़ीद आप नीचे जा सकते हैं, वहाँ पे सारे फिशरमैन खड़े हैं, यहाँ से पानी निकलता है। ये भाई हमारा रिटायरमेंट प्लान चल रहा है यार, इनमें से कोई ब्रो जो है ना जॉइंट पी रहा है बड़े दबा के यार, जो बड़ी हिम्मत वाली बात है ना, ये लोग 400-500 साल पहले उन्होंने ये समंदर देखा और निकल पड़े, ये गोरे स्पेनिश ये तो बाद में पहुंचे, पहले पोर्चुगीज पहुंचे थे दुनिया में, अमरीका भी पहुंचे ये पहले, साउथ अमेरिका ब्राजील में पोर्चुगीज क्यों बोली जाती है ये लोग पहुंचे हुए थे, गोवा में पोर्चुगीज क्यों बोली जाती है ये लोग पहुंचे हुए थे। तो भाई ये कितने से मुल्क से इन्होंने कब दुनिया फतह की हुई थी जिसका हम आज ख्वाब देखते ना कि हम करेंगे,
ये करके छोड़ भी चुके. They looked at the sea and they're like, you know what, fuck it, let's go. And they did, conquered the world. यार जिंदगी में ना ये प्रॉब्लम्स चाहिए कि लैट ने ना रात को नशे में पीछे पार्क कर दिया. अब जब तक रिचर्ड नहीं निकालेगा तो हमारी बोट भी नहीं निकलेगी यार. अब वेट करो रिचर्ड का. ये प्रॉब्लम्स चाहिए लाइफ में यार. अब इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में आओ, ईमान से बताएं, आप इंस्टाग्राम पे इसको देखेंगे या मुबीन भाई को देखेंगे? आप खुद बताएं. लैट है और ये है, ये चॉइसेस हैं दुनिया में. हाँ जी, ये 1125 में इन्होंने अपना शाही किला बनाया था. यहाँ पे फौजी रहते थे, तो मतलब समझे 11वीं सदी का मलीर कैंट. नहीं, मजाक कर रहा हूँ. ये खाली वॉच टावर्स हैं बहुत सारे. हाँ जी, लिस्बन में ये इलाका है, मार्टी मुनीस कहलाता है. इस गली को पर्टिकुलरली यहाँ के लोग बंगाली गली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बांग्लादेशी के ओन बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, नाई की दुकान है. जैसा कि आप देख रहे हैं बंगला लिखी हुई है. बंगला है क्या है? हाँ, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, टेस्टी हट के नाम से, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है. और मैं कोई 4 मील वहीं से खा चुका हूँ अपने, बहुत मज़े का है. मैं तो तरस गया था यूरोप में आके भाई अपने टेस्ट, लेकिन यहाँ पे मिला. सो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल देरा दुबई वाला माहौल है, बनियास वाला. वालेकुम सलाम, कैसे? हाँ बिल्कुल, ले लीजिए. पिक्चर लेता हूँ भाई. हाँ ले लीजिए. मुलाकात अब से हो गई. अरे किधर से आओ? मैं इंडिया से. इंडिया से? इंडिया में कहाँ से हो? इंडिया, पटना. पटना से? ज़बरदस्त यार, खुशी हुई आपसे बड़ी मिलकर. ख्याल रखें. वालेकुम सलाम. तो अरे ये टेक शॉप, मगर आई थिंक ये वो होंगे चाइना वाले. एनीवे, तो हाँ ये रहा टेस्टी हट. तो इस गली में जो है ना, आपको सारा लोकल माल अपने मन, ये देखो चावल सारा इंडिया वाला, पाकिस्तान वाला. अगर आपको देसी प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे अच्छी और प्राइस मिल जाती है. ये टेस्टी हट है और इसका खाना बहुत टेस्टी है यार. मैं कोई 5वीं बार आ रहा हूँ. चले जी, मिलते हैं दोबारा. हाँ जी, दोबारा सिंतरा में आ गया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा फॉरेस्ट फायर की वजह से हमें अलाउ नहीं था ऊपर जाना. आज वो खुल गया है, तो आज हमारा वैसे भी आखिरी दिन है. तो सोचा आधा घंटा दूर है, तो सोचा यार ये तो पूरा करते हुए जाएँ. सो लेट्स सी ऊपर क्या है भाई. ऊपर पहाड़ पे जाने, मैंने बेगम को बोला जाके रिक्शे वाले से बात करो, वो अच्छी बार्गेनिंग हुई थी ना. मैं लेडीज हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कम यूरो में लेके जाओ. हाँ जी, तो पहला कैसल ये मूरश कैसल, हम यहाँ आ गए हैं. और यहाँ से मूरश से मूरत ये है भाई लिस्बन का, और काफ़ी डिटेल्ड है. भी जाके देखते हैं आगे क्या सीन है भाई. यहाँ पे 11 क्लासेस हैं, ऑब्वियसली एक दिन में वो नहीं हो पाएंगे, तो हमने अच्छे वाले सेलेक्ट कर लिए. तो और दो ऑप्शन है ऊपर आने के. टुक टुक 20 यूरो पर पर्सन लेता है सिर्फ ड्रॉप करने के. अगर उनके साथ देखना है वो सारे 11 के 11, तो सरसरी दिखाते हैं. और वो 35 यूरो पर आवर चार्ज करते हैं. तो हमने वही 3.5 यूरो की बस ली वन वे, ऊपर आ गए बस हम, बाकी जाते हुए देख लेंगे. और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का ऑप्शन होता है 11.5 यूरो, जितनी बार चढ़ना उतरना है वो सिर्फ 24 घंटे का होता है. आज ही पंजाब असेंबली में गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहे हैं. असल गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ होते थे इन कासल्स में, कोई 13वीं सदी का, कोई 12वीं सदी का. इट्स कॉल्ड मूरश कैसल. फुल असैसिन क्रीड वाइब्स, वो चेक करो ऊपर. दिस इज वन ऑफ 11 कासल्स आई थिंक. इतना नीचे से ईंटें ला के ये पूरा बैरियर टाउन सजाया है. अभी तो थोड़ी सी गली चौड़ी कर देते. देखो ये देखो, पेंगुइन आ रहा है हमारा, डर डर के. गली तो थोड़ी चौड़ी बनाते. हाँ जी, मुरूश पैलेस के बाद अब हम जा रहे हैं पीना पैलेस, और उसके बाद फिर हमारी वापसी है. तो ये थोड़ी सी वॉक है, डाउन हिल है, तो हमने ले ली. ये सारा पार्किंग का हिसाब किताब है. हम पैदल वाले. अबे बुढ़िया रिक्शा चला रही है, दादी अम्मा रिक्शा चला रही है. हमारी वाली मुसल्ले पे होती है इस टाइम, इस उम्र में. चेक करो ये भाई, बड़ी भी ये भाई, डाडी औरतें भाई. चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ. वो मंजिल है ऊपर हमारी, वहाँ जाना है. यहाँ से वापसी नीचे होगी. वर्कआउट तो बहुत हुआ है भाई इधर, बंदे इधर 3 महीने रहे, पिंडलियाँ सही हो जाएं, चिकन लेग से जान छूटेगी. हाँ जी, लुक एट दिस ब्यूटी यार. ये मुझे
आर्किटेक्चर बहुत मुस्लिम इन्फ्लुएंस लग रहा है। हमने टूर गाइड नहीं लिया, टाइम नहीं है, नहीं तो पता चलता। तो जिस जिनको पता है कमेंट में ज़रा लिख के बताएं ताकि दूसरों की रहनुमाई हो। इट्स वेरी मुस्लिम आर्किटेक्चर। और नीचे वाले पैलेस में तो काफ़ी सारे बर्तन थे, उसमें लिखा भी था मुस्लिम हाउस होल्ड का सामान। हाँ, दिस इज डेफिनेटली अ मीनार। इट्स कॉल्ड संतरा बिकॉज़ ये पीले रंग का है, संतरे से मुशाबिहत दी है जहां तक मुझे लग रहा है। ये भाई कैफेटेरिया है, अच्छा है भाई, इधर ही है थोड़ा पानी शानी का इंतजाम। अच्छा वैसे देखो क्रॉसेस तो बने हुए हैं, मगर जैसे आया सूफिया भी एक चर्च था, मस्जिद बन गई, इसी तरह क्या पता ये मुस्लिम्स ने बनाया हो, आबाद किया हो और बाद में इट्स बीन क्रिश्चियन, पॉसिबिलिटी तो है। एनीवे क्या व्यूज हैं। पैलेस के अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबी क्यू है, वहाँ पर टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें रक्षा लेके नीचे उतरना है और वहाँ से स्टेशन से ट्रेन लेके आधे घंटे में लिस्बन पहुँचना है, लिल को उठाना है और वहाँ से एयरपोर्ट जाना है, और ये सब काम है दो घंटे के अंदर करना है। खैर, ब्यूटीफुल। हाँ जी, बादशाह सलामत का महल देखने जा रहे हैं। ये उनका सहन वो अंदर कमरा, अरे सीधा किचन में ले आए। अच्छा भाई, ये शुक्र है वाले नीदे बर्तन जो पाकिस्तानी सबके घरों में होते हैं। ये टी सेट आ गया इनका, छतें छोटी हैं। ये भाई डाइनिंग हॉल आ गया उनका। सोचे कितने बड़े बड़े फैसले हुए होंगे, कितने रिश्ते बने होंगे, टूटे होंगे, बातचीत हुई होगी। इंतहाई नामाकूल बेटे हो तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर सब यहाँ हुआ हूँ। फुल घपा घप। अबे अजीब फारिग, इतनी लंबी क्यू और उसके छोटे छोटे कमरे देखने के लिए। भाई जिससे नहीं देखना उसको जाने दो, फजूल की लंबी लाइन में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। घप बिस्तर है इसका, ये है यार। ये ऊपर वाला टेरेस है। अरे भाई चल चल के तो हालत ही टाइट हो गई।